सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक ट्रेंड रिव्यू को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ऐप्स के बारे में बता रहा हूँ जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लमों को हल कर देगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी मोबाइल की बैटरी 10% चार्ज है तो 10% ही बताएं, 20% चार्ज है तो 20% बताएं। मेरा मतलब बताने से मतलब है कि आपको वो वॉइस मैसेज में बैटरी 10% बची हुई है, 20% बची हुई है। तो दोस्तों, और यदि आप चाहते हैं कि आप गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं या आप अपने मोबाइल को नहीं देख पा रहे हैं, बीजी है, तो भी आपको पता लगे कि किसका फ़ोन आ रहा है आपके फ़ोन पे। जो ज़्यादा अर्जेंट हो तो आप उठा सकें और जो अर्जेंट नहीं है उनको आप इग्नोर कर सकें। आज ऐसी ही ऐप्स के बारे में बता रहा हूँ जो आपकी ये सभी प्रॉब्लमों को एक साथ हल कर देगी। और हाँ, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर पर जाने के बाद में आप ये डाल दीजिए शाउटर प्रो अनाउंसर और ये ऊपर ही ऊपर जो आ रहा है नोटिफिकेशन रीडर शाउटेड, वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। ये मेरे पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसे ओपन करता हूँ। मतलब तो ये जो भी फंक्शन है, कॉल, मैसेज, टाइम, बैटरी, चार्जिंग स्टेटस, रिमाइंडर, लोकेशन, इन सबको आप अनेबल करके इन पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ कैसे होगा ये। जैसे मान लीजिए आप कॉल को अनेबल कर, कॉल पे क्लिक करके तो ये जो अनेबल का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, उसको अनेबल कीजिए। आप देखिए कि यदि अननोन नंबर से फ़ोन आता है या नो, आपके जो कॉन्टेक्ट सेव है वो फ़ोन उस नंबर से फ़ोन आता है और आप चाहते हैं कि वो आप जो नंबर से फ़ोन आ रहा है, जिस नंबर से फ़ोन आ रहा है वो भी आपको सुनाए, वॉइस में आवाज़ आए उसकी, तो आप इसको अनेबल कर दीजिए। डिवाइस स्टेटस, रिपीट अनाउंसमेंट, रिपीट चाहते हैं उसी को तो रिपीट कर दीजिए। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि जब भी आपके पास कॉल आएगी, जिस भी नाम से कॉल आएगी आपके में सेव है तो उस नाम से, इस नाम से आपका कॉन्टेक्ट सेव है और उससे कॉल आती है तो दोस्तों वो यही है, उस नाम की वॉइस मैसेज आपको मिलेगा कि इस नंबर से कॉलिंग आ रही है और आपको पता लग जाएगा कि आपको ये कॉल पिक करना ज़रूरी है या नहीं है, अर्जेंट है या नहीं है, तो उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं दोस्तों। और ऐसे ही दोस्तों ये मैसेज है, यदि कोई अर्जेंट मैसेज आने वाला हो तो आप इसको अनेबल कर सकते हैं। रीड नंबर का मतलब है कि वो नंबर भी पढ़ के सुनाएगा कि किस नंबर से मैसेज आ रहा है। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, नीचे रिपीट वाला भी है। और दोस्तों तीसरा जो ऑप्शन है वो है टाइम, और जो चौथा ऑप्शन है रिमाइंडर और बैटरी चार्ज स्टेटस। इसके अंदर दोस्तों ये होता है कि आप इसको अनेबल किया हुआ है अभी मेरा, तो जब मैं इसको चार्ज लगा के हटाऊंगा तो ये मुझे बताएगा कि आपकी बैटरी 10% चार्ज है, 20% है, 50% है, ये फुल चार्ज हो गई है। और ये लोकेशन है, लोकेशन पे भी आप अनेबल कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए पहले प्ले बुक इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद में अनेबल होगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि आप जब भी लोकेशन चेंज होगी तो आपको लोकेशन बताता रहेगा ये ऑटोमेटिक वॉइस मैसेज से। तो ये सारे अच्छे अच्छे फीचर थे जो आपको शायद बहुत हेल्प करेंगे कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन बंद होने के बावजूद भी अपने मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपने प्ले स्टोर पर जाइए दोस्तों और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और यूज लीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही आप इन सब का यूज ले सकते हैं और बहुत ही बढ़िया फंक्शन है इसके, जो आपको आपकी मोबाइल को टच किए बिना बता देगा कि आपके पास किसका कॉल आ रहा है, किसका SMS आ रहा है और बैटरी कितनी है। रिमाइंडर, यदि आप कुछ याद रखना चाहते हैं, टाइम पे आपको कुछ याद आए तो आप उसमें रिमाइंडर भी डाल सकते हैं, वो ऑटोमेटिक वॉइस मैसेज में आपको रिमाइंडर दिलाएगा, जिससे आपको अपने दिमाग में ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप दोस्तों ये एप्लीकेशन बहुत यूजफुल है, इंस्टॉल कीजिए और यूज लीजिए।
आज के लिए दोस्तों इतना ही था, और यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट्स कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।